Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy and Mockzone. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to be for JBIMS and HRD exam, because I am going to discuss about the last year paper pattern analysis, what important topics were asked in the exam, because I am getting a lot of things from the students regarding the past year papers. So basically the thing is, since the program is new, it was started in the year 2018, so we don't have any past year papers. But I have the decent idea, the kind of questions that were asked in each section. Okay, so in this video, we are going to discuss that. Do subscribe the channel, because daily you are getting the videos, be it strategy based video, be it a content based video, be it a notification based video. Apart from that, also like the video, because there are many students who are preparing for the exam. Okay, chalo guys, without wasting any more time, let's start. So guys, first we have a numerical ability section. In last year in numerical ability there were 10 to 12 questions from arithmetic. Plays a very important role. You will not be seeing the questions based on algebra, matlab bahut zyada tough questions nahi aayenge, theek hai, because the course is related to HR, theek hai, HR related course hai, to utna the high five nahi poochte hain, theek hai. So 10 to 12 questions arithmetic ke the, arithmetic means plays a very important role, matlab more than 50% questions were from arithmetic, theek hai. Then 2 3 questions were from geometry, दो तीन क्वेश्चन ज्योमेट्री से थे, एंड बाकी कुछ क्वेश्चंस ये दो चैप्टर से और थे, ठीक है. एंड 3-4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम कोड एंड इनइक्वालिटी, मतलब एलआर भी आ गया था. न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वांट्स प्लस एलआर दोनों है. तो गैस, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो ये लास्ट ईयर था, बट ऐसा नहीं आपको यही पढ़ना है, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्वांट्स एंड एलआर ऑफ नॉन कैट एग्जाम, लाइक एनमैट, स्नैप के जो नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं, लेवल क्योंकि नॉन कैट वाली आता है, ठीक है. यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, क्वांट्स में अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अल्जेब्रा एंड नंबर, सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यू ये नहीं बोल सकते हम लोग कि इस बार लास्ट ईयर अगर ज्योमेट्री आया था तो इस बार भी ज्योमेट्री आएगा, ठीक है. हो सकता है दिस टाइम दे कैन गिव लॉगरिथम्स, फंक्शंस, एपी जीपी, क्वाड्रेटिक, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कुछ भी दे सकते हैं. बट हाँ, ये मैं श्योर हूँ, मुझे लगता है 99% की 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट अर्थमेटिक से होंगे, बिकॉज अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट होता है काफी, ठीक है. ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम आप उठा लो, अर्थमेटिक का 40% वेटेज मिनिमम रहता ही रहता है, कोई भी एग्जाम इंक्लूडिंग कैट, ठीक है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक. अर्थमेटिक में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या चैप्टर्स आते हैं, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टीएसडी मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, रेशन प्रोपोर्शन, एवरेज एलिगेशन मिक्सचर, ये सब होता है अर्थमेटिक का पार्ट, ठीक है. और एलआर में गाइस, एलआर में भी ये नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से ही क्वेश्चन आएंगे, देयर कैन बी चांस, आराम से हो सकता है कि डायरेक्शन सेंस, रिलेटेड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी आ सकता है, ठीक है. तो बोलना गाइस, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, 17+ आप टारगेट करो सेक्शन में, ठीक है. गाइस, कट ऑफ पे मत जाना, ओवरऑल कट ऑफ 50 मार्क्स होता है, 50 मार्क्स इज द मिनिमम मार्क्स यू रिक्वायर्ड, ठीक है. उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती टॉप 200 की. लास्ट ईयर लास्ट वाला बंदा, 200th वाला बंदा का 50.5 मार्क्स था, बट वी डोंट, वी आर नॉट गोइंग टू टारगेट दिस, वी आर गोइंग टू टारगेट 65 और 70+. 70+ टारगेट करो तब हो जाएगा, 70+ करोगे कम होते होते 60 तो आ ही जाएगा, ठीक है. एंड वेटेज काफी है इसका, रेट एंड टेस्ट का. सो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी था. नाउ कमिंग टू जीके, तो गाइस जीके में स्ट्रेटेजी जीके से लास्ट ईयर तो क्वेश्चन नहीं थे, 2 साल के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे, बिजनेस एवेन्यू से क्वेश्चन थे. करंट अफेयर्स मीन्स मंथली करंट अफेयर्स प्लस तुम्हारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, मर्जर एक्विजिशन हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, ठीक है, इस तरह का जितना भी होता है सब, तो मतलब पढ़ना पड़ेगा काफी अच्छे से. पर यह है कि स्ट्रेटेजी के क्लास के नहीं थे, बट इसका मतलब यह नहीं कि स्ट्रेटेजी के नहीं पढ़ेंगे. फर्स्ट यू विल डू करंट अफेयर्स फ्रॉम 2020, पूरा 2020 एंड आधा 2021, एटलीस्ट 1.5 साल का तो करेंगे ही, 2019 को छोड़ सकते हो. उसके अलावा कोरोना वायरस, यूनियन बजट, ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये करना है, उसके बाद स्ट्रेटेजी के लिए मेन मेन टॉपिक्स तो करने ही पड़ेंगे, लाइक नेशनल पार्क्स, डैम्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बैटल्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये सब तो अच्छे से करोगे गाइस, जीके में भी आराम से नंबर आएगा, ठीक है. लास्ट ईयर हम लोग के पोर्टल से काफी लोगों का नंबर अच्छा आया था, क्योंकि जीके लोग पढ़े गए थे, स्ट्रक्चरल स्टडी मैटर्स. देन वी हैव एचआर सेक्शंस, काफी लोगों को डाउट होता है इसमें. एचआर सेक्शन में जो 3 सेक्शंस होते हैं, ग्रुप डायनेमिक्स, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट, इन तीनों का बेसिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर रिटन टेस्ट बट ऑल्सो फॉर इंटरव्यू, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर एचआर इंटरव्यू एंड कॉलेज लाइक जेबी, एंड आपको बेसिक्स नहीं पता, एचआर के मॉडल्स नहीं पता, तो फिर आपको इंटरव्यू में निकाल सकते हैं, तो आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. उसके अलावा गाइस, लास्ट ईयर पूरा कोर एचआर नहीं आया था, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस थे, साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस थे. डिसीजन मेकिंग प्लस साइकोमेट्रिक कंप्राइजेस अराउंड 50% यू कैन से, ठीक है. मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी थे ये कि आपके प्रायर नॉलेज नहीं, तभी आप कर लोगे, बिकॉज दैट का डिसीजन मेकिंग वही होता है ना, नॉर्मल वाला, कि कोई आपको डिसीजन लेना है किसी कॉर्पोरेट में आपको, ठीक है. उसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा एचआर का भी अच्छे से, मतलब बेसिक पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है. तो ये सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है इससे, बट ये हो जाएगा ढंग से पढ़ोगे तो, ठीक है. तो ये आपका रिटन टेस्ट का पार्ट हो गया, ठीक है. कमिंग टू इंटरव्यू, इंटरव्यू में बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छे से कर लो, अबाउट योर सेल्फ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स, वाई जेबीआईएमएस, वाई जेबीआईएमएस एमएचआरडी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद एचआर के जो ऊपर वाले मैंने बताया 3 चैप्टर्स, उसके क्वेश्चन करने अच्छे से, करंट अफेयर्स करना है, कोविड वगैरह करना है,
ठीक है, बाकी ये सब इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की थोड़ी बहुत, ठीक है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप अगर इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है, मतलब एक मैच्योर बंदा एक होता है जो जा सकता है अच्छे कॉलेज में, ठीक है, उनका ऐसा बंदा चाहिए, हॉबीज़ वगैरह सब। जीडी, जीडी के लिए गाइस जनरल टॉपिक भी आ सकता है, करंट अफेयर्स भी आ सकता है, ठीक है, जनरल टॉपिक में आपका आईटी बूम, सोशल मार्केटिंग, जो आपका ये होता है सोशल मीडिया जो आपका होता है, इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है, या फिर क्या 2021 में मार्केट क्रैश होगा, ऐसा नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है, लॉकडाउन से क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, ये सब चीज़ें तो अच्छे से अपने आपको, अगर जीडी में, जीडी इज मोर अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिट ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज तो है ही है बट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है, काफी लोग नॉलेज होने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट, ठीक है, वहाँ पे डर जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस खो देते हैं, तो ऐसे कोई इसमें फिर कुछ नहीं कर सकते, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेटर यही कि आप अच्छे से करो प्रैक्टिस, जीडी से पार्टिसिपेट करो तो हो जाएगा। बाकी गैस ओवर हाइप्ड एग्जाम है, मतलब लोग डरते हैं एग्जाम को, 20 सीटें खाली हैं, आप बताओ ना गैस, ये कोर्स वाकई बता रहा हूँ बहुत अच्छा है, काफी लोग कहते हैं पैकेज पैकेज करते हैं गैस, स्टार्टिंग में मानता हूँ पैकेज कम देगा बिकॉज कोविड के जैसे सारे एग्जाम्स सारे कॉलेजेस में यही हाल है, इवन आई एम लखनऊ में भी हाल, काफी कुछ बच्चों को रिवोक भी ऑफर दे आर लुकिंग फॉर 8-9 लाख पैकेज, इसका भी नहीं आई एम लखनऊ बेकार है, तो सिचुएशन ही ऐसी, इस बार क्या करोगे। मैं मानता हूँ कि ऐसा कॉलेज जो है जेबीएम से, चलो इसका 2-3 साल बाद प्लेसमेंट कम से कम 13-14 लाख होना चाहिए, 2-3 साल क्या कोविड नहीं होता तो 13-14 एवरेज मुझे लग रहा था, बट कोविड है तो 8-9 लाख मानो अभी आप, बट इतना मैटर नहीं करता ये, ठीक है, क्योंकि 2-3 साल बाद मैं जानता हूँ कि कॉलेज टॉप 3 या टॉप 4 एचआर में आराम से होगा, बिकॉज यार आप बताओ ना कि 20 सीटें क्यों करेंगे ये लोग, 200 सीटें करते तब भी लोग आते, इतना पैसा कमाते हैं लोग, 150 सीटें करते, 120 सीटें करते, क्यों 20 सीटें करी, बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव यू क्वालिटी, यहाँ पे वही फैकल्टी पढ़ाती है जो फैकल्टी आपको एमएस से पढ़ाती है, ठीक है, काफी अच्छे पढ़ाते हैं, और प्लेसमेंट से खराब नहीं है इस बार, अभी समर इंटर्नशिप में 23 कंपनीज लिस्टेड फॉर 20 स्टूडेंट्स, मतलब एक बंदे के लिए एक से ज्यादा कंपनी आई, क्या क्या चाहिए और, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ठीक है, बाकी एचआर में आप भी जानते हैं बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है बिकॉज एचआर डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द कंपनीज रेवेन्यू, कंपनी रेवेन्यू में आप कोई पार्टिसिपेशन नहीं देते हो अपना, आप बस मैनेज करते हो चीजों को, तो आप बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते बट इससे अच्छा जाएगा, ठीक है, तो जो लोग कंफ्यूज हैं पहली बात तो ये कि कहीं आपको जाकर एग्जाम नहीं देना, काफी लोग सोच रहे हैं आपको कहीं जाना पड़ेगा, आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना, इवन लास्ट ईयर पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक घर पे ही हुआ था, रिटन टेस्ट, जीडीपीआई, सब कुछ, इवन क्लास भी एक साथ घर पे ही चल रही है, इंटर्नशिप भी घर पे ही चल रही है, तो चलेगी यार, ठीक है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, तो वो आपका टेंशन है, आप घर बैठ के आराम से टेस्ट दो, तो कोई दिक्कत नहीं आपका, अपना हो जाएगा अपना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, काफी लोग बोलते हैं कि यार बहुत कम, देखो अब 20 सीटें हैं तो बच्चे भी तो कम बैठते हैं, 700 बच्चे बैठते हैं खाली, 600-700, अब 600-700 बच्चे बैठते हैं, इसका मैंने बेकार एक प्रोग्राम है, इसका मतलब ये है कि बच्चों, अब आप बताओ जुलाई में कोई अगर एग्जाम देगा तो कोई क्यों देगा, जुलाई में बच्चे क्या करेंगे, तो कैट देंगे या फिर कोई अच्छे कॉलेज जाएंगे, कौन देता है, जिनके पास अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, जिनको जिनके पास कुछ टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस हैं उनको इसी बार एडमिशन लेना है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अगर आप टॉप 25 कॉलेज एड्रेस हो, आपको कन्वर्ट हो गया टॉप 25, तो इस मैं बोलूंगा आप वहां पे टॉप 25 में ही लो, अगर आपके पास ऐसा कोई कॉलेज है जो ज्यादा अच्छा नहीं 5-6 लाख पैकेज देगा तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। फॉर्म्स का वेट मत करना, फॉर्म्स 15 दिन पहले ही आते हैं एग्जाम के, लास्ट ईयर 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था, मतलब 15 अराउंड 3-4 जुलाई को एग्जाम फॉर्म आए थे, ठीक है, तो उसका वेट मत करना, एग्जाम होके रहेगा, ठीक है, तो अपने तैयारी स्टार्ट कर दो। दोस्त लुकिंग फॉर स्ट्रक्चर स्टडी, देखें अगर कोर्स 42 से ज्यादा बच्चे एनरोल कर चुके हैं, बहुत स्ट्रक्चर कोर्स है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इंक्लूडिंग जीडीपीआई, ठीक है, क्वांट्स, एलआर, जीके, सब स्ट्रक्चर्ड है, कुछ बाहर से देखना नहीं है, सबकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, प्रॉपर टाइम टेबल होता है, बहुत अच्छे से असाइनमेंट के साथ सब चीजें हो रही हैं, अगर आपने कोर्स फॉलो किया तो मैं मान ही नहीं सकता आपको कॉल ना आए इस कोर्स से, ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ने वाले हो, बड़ा कोर्स लेके बैठे रहोगे तो नहीं होगा। हमने अभी जीडी के लिए अभी से तैयारी शुरू करा दी है, आज ही मैंने बच्चों को बोल दिया है कि अपना आपको उनको डेडलाइन दे दी है 26 मई की, कि आपको अपने एचआर के जो बेसिक आंसर्स होते हैं अबाउट योरसेल्फ और जितने भी होते हैं इस तरह के, वो सब प्लस 3 यूनिवर्सिटी एसओपी उनको सबमिट करनी है, ताकि हम लोग उसको 15 दिन रिव्यू करेंगे, ताकि सब कुछ बाद में हौश पौश ना हो, क्योंकि क्या होता है लास्ट ईयर बच्चे परेशान हो गए थे, 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था, 3 तारीख को बोला इंटरव्यू होना है, आपने इंटरव्यू तैयारी नहीं करी है, तो ये सब ना हो पहले से, इसलिए सब कुछ रेडी रखो, क्योंकि जीडीपीआई बहुत मैटर करेगा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में पहले से करोगे तो हो जाएंगी, बाकी हाइप है ओवर हाइप, ठीक है। और गाइस ये जो डिस्काउंट है ये 50 स्टूडेंट्स के लिए, 42 स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट है, 8 बच्चे खड़े बच्चे हैं, मुझे पता है इतने से बच्चे काफी आएंगे, बच्चे भी या नोटिफिकेशन या कुछ आता है तो उस टाइम पे आते हैं, बट लेट मत करो, आपके लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, वाकई बता रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छा ब्रांड है जेबीआईएमएस मुंबई का, अपना नाम ही बहुत है, सीवी में आ जाएगा एक बार, आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली, बाकी तो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, बट स्टिल ये लास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं, इस बार हम लोग को टारगेट कम से कम 10 लोगों को लेके जाना है अपने जेबीआईएमएस, अपने बैच से 20 में से 10 सीटें अपनी होनी चाहिए, लास्ट ईयर 4 लोग थे, बट इस साल हम लोग को क्योंकि काफी आइडिया हो गया है, हम लोग के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनसे बात हो रही है, तो वी आर प्लानिंग कि अच्छा से अच्छा करेंगे हम लोग इस बार, ठीक है, 4 बच्चे थे लास्ट ईयर अपने, बाकी रिव्यूज आप खुद दे सकते हो गाइस, ठीक है, ये रिव्यूज हैं,
सो गाइज दिस वॉज अबाउट द वीडियो, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. तो इफ यू लुकिंग फॉर स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन फॉर JBIMS MHRD आप देख सकते हो mockzone.in/JBIMS में जाओ, ठीक है, और वहां पे आके आप एनरोल कर सकते हो. यू कैन पिंग मी आफ्टर दैट, मैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा, आपको पूरा बता दूंगा प्रोसेस. जो भी मिस्ड क्लास है सब मिस्ड क्लास आपको कवर हो जाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं आपका. थर्ड में को स्टार्ट हुआ, दो चैप्टर भी हुए हैं मेन में, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है. बाकी ये मेरा नंबर है, आप मुझे पिंग करके आप क्वेरी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. उससे उसके बाद फिर हम लोग कॉल पे बात भी कर सकते हैं कोई डाउट है तो, ठीक है. चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय.